जब से इंसान को अदन बाग से निकाला गया तब से ही उसे परमेश्वर से कुछ पा लेने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी और इस कार्य का बिल्कुल सही तरीका प्रभु यीशु के अलावा शायद कुछ लोग ही जान सके। वचन के अनुसार परमेश्वर हमें हर आशीष देने का वादा करते हैं, लेकिन हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने में बहुत बार असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हमें कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे तो हमें क्या करना चाहिए, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। Let's begin with the scripture reading. परमेश्वर का वचन हमने एज़ेकियल नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 16वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास वो सारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रिस दिलाते हैं, वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए फिरते हैं। इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूँगा, ना मैं दया करूँगा और ना मैं कोमलता करूँगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारें तो अभी मैं उनकी बात ना सुनूंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो, आमीन। परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देने का वायदा अपने वचन में करते हैं, फिर हम जो मांगते हैं उसे पाने में बहुत बार असमर्थ क्यों हो जाते हैं? जो भी हम कुछ चाहते हैं वो भी नहीं होता। परमेश्वर के अनुग्रह एक विश्वासी के जीवन के अंदर तीन तरीके से आता है। पहला ही है वचन, दूसरा है प्रार्थना और तीसरा है फेलोशिप, दूसरों के साथ मिलना। याकूब की पुस्तक के 4 अध्याय की 2 आयत के अंदर लिखा है, यू डू नॉट हैव बिकॉज यू डू नॉट आस्क, तुम पाते नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। और प्रार्थना जो ये आशीष का साधन है सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है और हम इसे बहुत ही कम तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम जो प्रभु यीशु ने, पिता परमेश्वर ने इस वचन के अनुसार वादे किए हैं उसे पा सकें। फिर याकूब 4 अध्याय की 3 आयत में कहते हैं, तुम पाते नहीं क्योंकि तुम गलत तरीके से मांगते हो, तुम मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। हम ये कह देते हैं कि पिता परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा का हमें कोई लेना देना नहीं है, और हमारी प्रार्थना के अंदर फिर ऐसे जो मकसद है वो हम छुपाने की कोशिश करते हैं और अपनी इच्छाओं को वचन के अंदर घुमाने की कोशिश करते हैं। गिनती 11वें अध्याय की 4-6 आयत के अंदर लिखा है, इज़राइलाइट जो इजिप्ट से निकाले गए थे उन्हें मन्ना मिल रहा था, स्वर्गीय खाना जो के स्वर्गदूत खाते हैं, लेकिन वो जो इजिप्ट के अंदर मिस्र के अंदर वो खाना खाते थे, जो मीट खाते थे, उसके लिए उन्हें फिर वो लालसा लगने लग गई। तो गिनती 11वें अध्याय में फिर परमेश्वर का वचन मूसा के पास आता है और 18वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम लोगों से कहो कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा। फिर 20वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुमको उसकी घृणा ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है। वो वापस मिस्र के बारे में सोचने लग गए क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर से चमत्कार के रूप में मिरेकुलसली जो पाया था वो सब भूल गए, जो चमत्कार वहां किए गए, लाल समुद्र खोला गया, वो सब भूल गए। और फिर हर इंसान ने 10 होमर तकरीबन 475 पाउंड हो जाता है, जो कि 215 किलो के बराबर हो जाता है, इतने उसने पक्षी पकड़े कम से कम उसने। फिर हम देखते हैं उसी अध्याय के 33वीं आयत,
मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने ना पाए थे कि यहोवा का क्रोध उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा और उस स्थान का नाम किब्रोत तावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। हम जब अनग्रेटफुल हार्ट से धन्यवादी नहीं रहते हैं तब ऐसा होता है। उन्हें मन्ना दिया गया जो कि बगैर किसी उनके काम किए उनको मिल रहा था, जो मन्ना स्वर्ग से आता, स्वर्ग से उन्हें वो स्वर्गदूतों का खाना उन्हें मिल रहा था। मैंने ऐसा क्या किया कि आज का दिन मुझे मेरे जीवन में मिला है? कोई डिजर्विंग काम तो इतना मैंने नहीं किया। हम सब ने किसने ऐसा कुछ किया है कि परमेश्वर उसे कुछ दें? दूसरा, हमारी जो प्रार्थना है परफंक्ट्री है, बस ऐसे ही है, हवा में ही। ये ऐसे है जैसे कि अमेजॉन ग्रेट सेल पर कुछ ऑर्डर करना हो, पेमेंट ऑन डिलीवरी, परमेश्वर आप हमारा काम कर दोगे तो हम आपकी आराधना करेंगे। भजन संहिता 46:10 में लिखा है, शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं, मैं कौमों के अंदर मेरा नाम ऊंचा उठाया जाएगा, मेरा नाम धरती पर ऊंचा उठाया जाएगा। हमारी प्रार्थना है हाय एंड बाय, हाय परमेश्वर, बाय परमेश्वर। हम परमेश्वर को देखते कैसे हैं, परमेश्वर के तौर पर या कि मिरेकल वर्कर के तौर पर, चमत्कार करने वाला? यूहन्ना नबी की इंजील के 6 अध्याय की 1-16 आयत तक प्रभु यीशु कंपैशन दया के साथ 5,000 लोगों को वो 5 रोटी और 2 मछली से खिलाते हैं। फिर 12 बड़ी टोकरियां जो बचे हुए टुकड़े उनसे भर जाती हैं, 5 रोटी थी लेकिन 12 टोकरियां बच जाती हैं। फिर हम देखते हैं 14 और 15 आयत, तब जो आश्चर्य क्रम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। हम चमत्कार करने वाले को ही अपना राजा बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारी शारीरिक इच्छाएं वो पूरा कर सकता है। हम देखते किस प्रकार है परमेश्वर की तरफ? परमेश्वर ऐसा जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला हो, या कि परमेश्वर के तौर पर जो क्रिएटर है इस दुनिया का? अगर हम देखें ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय 12वीं और 13वीं आयत, तो यहां इस प्रकार लिखा है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके स्वाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। उसका भय माने, भय मानना है उसका आदर करना, आदर करना उसे परमेश्वर के तौर पर मानना। दूसरा कुरिन्थियों 12:7-9 तक पौलुस रसूल कहते हैं, उन्हें वो स्वर्ग के दर्शन दिखाए गए हैं, फिर वो कहते हैं कहीं मैं अपने आप में ऐसा अहंकार में ना आ जाऊं तो शैतान के द्वारा मुझे एक कांटा चुभाया गया, ताकि कहीं मैं अपने आप में अहंकार में इतना भर ना जाऊं। जो परेशानी जो हम झेल रहे हैं शायद वो परमेश्वर से दी गई हो, इसलिए हमारी प्रार्थना का उत्तर ना आ रहा हो, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अधीनगी में बने रहें। फिर है हमारी प्रार्थना का उत्तर ना आने का एक और कारण, शैतान की ताकतें, वो उसका अपोज करती हैं। डानियल की पुस्तक में 10वें अध्याय की 12वीं 13वीं आयत में लिखा, डानियल 3 हफ्ते के लिए प्रार्थना में जुट जाता है और कुछ अच्छा खाता नहीं है। फिर एक स्वर्गदूत आता है उनके पास उत्तर लेकर, वो कहता है, हे डानियल डर मत, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना उस पहले दिन ही सुन ली थी जिस दिन तुमने अपने आप को उनकी अधीनगी में लाया था, लेकिन मेरे प्रार्थना का उत्तर लाने में ये 21 दिन लग गए क्योंकि शैतान जो प्रिंस ऑफ पर्शिया वो मुझे रास्ते में रोक लिया था उसने 21 दिन के लिए। तब माइकेल ने आकर मेरी, मिकाएल जो कि चीफ कमांडर है उसने आकर मेरी सहायता की, तब मैं यहां पहुंचा हूं। शैतान अपनी प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स ऑफ किंगडम, शैतान का जो राज्य है उसे बचाने के लिए हर कोशिश करता है। वो परमेश्वर के दूतों को के खिलाफत करता है और हमारी प्रार्थनाओं में भी खिलाफत करता है।
उसमें भी वो रुकावट डालता है। हमारी प्रार्थना के अंदर परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। यूहन्ना 14:13 में लिखा है कि जो कुछ भी तुम मांगो मेरे नाम में वो मैं कर दूंगा, ताकि पुत्र में पिता की महिमा हो। हर हालत में हमारी प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो हमारे हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। ये सब कारणों में हम देखें कि इन किस कारण से हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने से पिता परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, तो फिर ये प्रभु यीशु कैसे पूरा करते हैं? लाजरस की कब्र के बाहर प्रभु यीशु खड़े हैं, पत्थर हटा दिया जाता है फाइनली। यूहन्ना 11:41 वहां लिखा है, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। वो कहते हैं कि मुझे ये यकीन था कि आप मेरी हमेशा सुनते हैं बात। अब हम देखें प्रभु यीशु ने जो हमें प्रार्थना करने के लिए मॉडल प्रेयर दी है, मॉडल प्रेयर है मत्ती 6:9 के अंदर उसकी 9वीं आयत में। वहां लिखा है, आवर फादर इन हेवन। वो पहले एक रिश्ता दिखाते हैं, फिर कहते हैं, पहली रिक्वेस्ट उनसे क्या करते हैं, हैलोड बी थाई नेम, आपका नाम पवित्र माना जाए। हैलोड बी थाई नेम, हैलोड का मतलब क्या है, पवित्र मानने का क्या मतलब है? यहां पर जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो है हैगियस थेटो तो ओनोमा सो। 1389 में वाइक्लिफ ने इसका ट्रांसलेशन पहले किया था, हैलोड बी थाई नेम, और फिर 1526 में टिंडेल ने भी वही कहा, हैलोड बी थाई नेम। लैटिन से यहां पर ये ग्रीक की ट्रांसलेशन शुरू होती है इसके साथ। हैगियाजो नए नियम के अंदर 28 बार आता है, और इसका मतलब जो हैलो है, पाक माना जाना, इसका मतलब है कॉन्जिक्रेट, अलग किया जाना, सेट अपार्ट, और आदर करना, पवित्र मानकर। प्रभु यीशु ने इस शब्द से क्या मतलब दिया हमें? इसका मतलब हो जाता है पिता परमेश्वर अपना नाम आप अलग कर दीजिए हर एक दूसरे नाम से, आपके नाम की महिमा इतनी बढ़ जाए, इतना उसका आदर बन जाए, उसका इतनी बेशकीमती बन जाए वो, कि सब नामों से, हर चीज से ऊपर उठ जाए। नाम के बारे में फिर दाऊद कहते हैं भजन संहिता 23:3 में, वो मुझे धार्मिकता के रास्तों पर ले जाता है अपने नाम के कारण, फॉर हिज नेम सेक। यिर्मयाह नबी 14:7 में कहता है, पिता परमेश्वर हमारे पाप बहुत ज्यादा हैं जो हमारे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन वो परमेश्वर अपने नाम के कारण हमारा जो पीछे हट जाना है, हमारे जो पाप आपके खिलाफ किए गए हैं, अपने नाम के अनुसार हमारे ऊपर दया कर। हमारे प्रभु यीशु की जो ये टीचिंग है वो ये है, हम पिता परमेश्वर की तरफ हमारी एक प्रार्थना कि उनका नाम पवित्र माना जाए, हैलोड। और फिर उन्होंने वही किया जो उन्होंने सिखाया भी। यूहन्ना 5:30 में वो कहते हैं, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं करता, मैं वही करता हूं जो परमेश्वर मुझे कहते हैं। टोटल ओबीडियंस और फोकस मिशन के ऊपर। मिशन कौन सा? हम सब लोगों को शैतान के और पाप के से छुटकारा देना। परमेश्वर जो धरती को रचने वाला, इस सब को रचने वाला है, एक इंसान बन जाता है, माता पिता जो इंसान है उनके ऊपर निर्भर हो जाता है। यहोवा यारे जो सब कुछ देता है वो माता पिता पर निर्भर हो जाता है। मत्ती 14:23 के अंदर फिर वो अकेले चले जाते हैं प्रार्थना के लिए। हर बड़े काम के, बड़े चमत्कार के पहले और बाद में प्रभु यीशु अकेले प्रार्थना करने जाते हैं, चाहे वो 5,000 को खाना खिलाना हो, चाहे लाजरस को जिंदा करना हो, चाहे कोई भी और काम हो। फिर गेत्सेमनी के अंदर भी वो प्रार्थना करते हैं, आपकी इच्छा पूरी हो मेरी नहीं, टोटल अधीनगी है। यूहन्ना 17:1 में फिर वो कहते हैं, पिता परमेश्वर, पिता
उस समय आ गया है, अपने पुत्र को महिमा दो ताकि वो आपको महिमा दे सके, आपको महिमा दे सके। गेत्समनी पार्क हो चाहे चाहे किसी भी और जगह पर हो, प्रभु यीशु के लिए पिता परमेश्वर का नाम हमेशा पहले रखा। उन्होंने प्रार्थना की, अपना जीवन जिया इस धरती पर, और फिर अपने आप को उस टॉर्चर के लिए, मौत तक के लिए अपने आप को सरेंडर कर दिया ताकि पिता परमेश्वर का नाम महिमा पाए। फिर हम देखते हैं यशायाह नबी का 50वां अध्याय उसकी 5 और 6 आयत। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया ना पीछे हटा, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। फिर हम देखते हैं 52nd यशाया का उसकी 13वीं 14वीं आयत। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य कैसा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। फिर हम देखते हैं 53 अध्याय उसकी 7वीं आयत। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। पिता परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए प्रभु यीशु ने ये सब कुछ सहा, यहां तक के वो इंसान जैसा भी दिखाई नहीं दे रहे थे, इतना मारा पीटा गया, आंख मुंह सब कुछ इतना मारा पीटा गया कि उनका रूप ही बिगड़ गया। हमें भी परमेश्वर को अपने विचारों में, अपनी इच्छाओं में, अपनी बातों में, अपने कामों में पहला स्थान देना है। लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट सोल माइंड एंड स्ट्रेंथ। अपने परमेश्वर को अपने मन से, अंतर्मन से, मस्तिष्क से, विचारों से और पूरी ताकत बल से, जो कुछ भी हमारे पास है उसे प्यार करना। निर्गमन के 20वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है कि तुम परमेश्वर का नाम बेकार में मत लो। अब इसकी 2 एक्सट्रीम हो गई हैं। एक तरफ तो यहूदी लोग हैं जो यहोवा नाम ही नहीं लेते, उन्होंने यहोवा को हाशिम कहने शुरू कर दिया, हाशिम, वो हाशिम कहते हैं। और दूसरी तरफ है विश्वासी, बहुत विश्वासी हैं, जो एक गिलास हाथ से गिर गया कांच का, ओह माय गॉड ये क्या हो गया। परमेश्वर का नाम एक गिलास, कांच का गिलास से भी कम कर दिया गया है। वो मेरी प्रार्थना तभी उत्तर देंगे जब मैं परमेश्वर का नाम महिमा देता हूं, अपने जीवन के अंदर, अपने विचारों के अंदर, अपने हर काम के अंदर पहल उन्हें देता हूं जैसे प्रभु यीशु ने दी, उनकी इच्छा पूरी करता हूं। फिर वही जो उन्होंने कहा यूहन्ना नबी के उस 11वें अध्याय के अंदर लाजरस की टूम के बाहर, मैं जानता हूं कि आप हमेशा मेरी बात सुनते हैं, फिर वो हम भी कह सकते हैं। फिर हम अपनी प्रार्थना किस प्रकार से करें या किस तरह से करें कि हमें उनका उत्तर मिले? आपने जैसे पहले इंट्रोडक्शन में कहा था, प्रभु यीशु के अलावा शायद कुछ लोग ही जान सके हैं सही तरीके से प्रार्थना करना। ये हम सब के लिए एक ऐसा विषय है जिसको हम हर दिन सीखते हैं। प्रार्थना का उत्तर ना मिलना परमेश्वर की तरफ से एक इन्विटेशन है। इन्विटेशन क्या है? कुछ सिखाने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए, एक नजदीकी रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर के साथ, और फिर हमारा फोकस शिफ्ट करने के लिए उन बहुत बड़ी चीजों के लिए जो स्वर्गीय स्थानों पर हमें दे दी गई हैं, या जो हमें यहां वो देना चाहते हैं, और हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए। ये सब काम परमेश्वर करते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर ना देकर, ताकि हम जुड़े रहें। इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, विश्वास है जिससे परमेश्वर को प्रसन्न किया जाता है, और फिर प्रार्थना है परमेश्वर के मन के अंदर झांकना,
उनका जो दर्द है हमारे लिए हमारे पापों के कारण उसको समझने की कोशिश करना। सवोपदेशक तीसरा अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं, फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो अभी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। He has put eternity in man's heart. इंसान को बनाया गया परमेश्वर के स्वरूप में, उसके अक्ष में, इसलिए उसके अंदर सदा से ये एक इच्छा बन जाती है। उसके सपने, उसके विचार, विजन आने लग जाते हैं उसे कि वो भविष्य के बारे में जाने। परमेश्वर आई एम है, उनके सामने सब कुछ खुला है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ उनके सामने एक जैसा है। इंसान वो सब कुछ करना चाहता है जो परमेश्वर ने किया है, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं पूरी ना हो। उन्होंने हमें दिखाया है, दर्शन दिया है, पूरा शायद ना हो। राजा दाऊद को परमेश्वर के भवन मंदिर के बारे में पूरा डिजाइन सब कुछ दे दिया गया, लेकिन उसने बनाया नहीं, सुलेमान उसके बेटे ने बनाया। यूहन्ना नबी को पैटमोस आइलैंड के ऊपर प्रभु यीशु के बारे में वो स्वर्ग के अंदर पूरी स्वर्ग में पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है, जो उन्होंने पुस्तक आखिरी पुस्तक में लिखा है। अभी पूरी नहीं हुई है, वो होनी है अभी पूरी। इसी प्रकार सबोपदेशक के तीसरे अध्याय की पहली 8 आयत में लिखा है, हर चीज के लिए समय है। हम परमेश्वर के समय के को ओवररूल नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, ना ही हम उसे ये कह सकते हैं कि अपना समय बदल दो, वो नहीं होगा। अब्राहम 25 साल वेट करता है आइज़ैक के लिए। दाऊद को शमूएल ने राजा बनाने के लिए अनॉइंटिंग कर दिया, लेकिन फिर भी वो तकरीबन 16 साल तक वेट करता है। वो राजा बन जाता है सौल की मृत्यु के बाद में यहूदा का, 7.5 साल तक फिर वो वेट करता है कि जो बाकी के 10 ट्राइब हैं वो भी उसे राजा मान लें। टोटल वो 20 साल तक वेट करता है। हमें भी अपने समय का वेट करना ही पड़ेगा। याकूब ग्रैबर था, पकड़ता था, जन्म से पहले ही उसने अपने बड़ी भाई की एड़ी पकड़ी कि वो उसे पहले आए, पहलौठा बन जाए। जब तक उसे स्वर्गदूत आता है उसकी जान का वो मसल तोड़ देता है, तब तक वो ग्रैबर ही रहता है, उसके बाद में वो अधीनगी में आता है। हो सकता है कि परमेश्वर भी हमें कोई ऐसी आशीष के लिए तैयार कर रहे हों जो कि हमने मांगी है। दाऊद को 3 बार अनॉइंटिंग किया जाता है, पहले शमूएल करता है, फिर यहूदा के लोगों के साथ किया जाता है राजा बनने के लिए, फिर बाकी के जो 10 ट्राइब है वो आते हैं। परमेश्वर की तरफ से एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है, इंसान की तरफ से हो चाहे ना हो। दाऊद को इसी प्रकार करना पड़ा, और फिर ये जो पीरियड था उसे अपना मन बनाना पड़ा राजा बनने के अनुसार, राजा के जैसा उसे मन अपना बदलना पड़ा। प्रभु यीशु के हाथ खुले थे, उन्होंने किसी भी चीज को पकड़ा ही नहीं यहां धरती के ऊपर, हर चीज को छोड़ दिया, जाने दो। हमें भी इसी प्रकार छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर परमेश्वर अपने समय के ऊपर हमारे हाथों को भरते हैं। प्रभु यीशु को बपतिस्मे के द्वारा यर्दन नदी के अंदर वो बपतिस्मा उन्हें किया और पवित्र आत्मा परमेश्वर से उन्हें भर दिया गया, अनॉइंटिंग हुई उनकी, लेकिन 40 दिन तक वो विल्डरनेस में रहे। उनका वहां पर टेस्ट होता है, तैयारी होती है उनकी मिनिस्ट्री के लिए। अगला पॉइंट है सेल्फ एनालिसिस, अपने आप को जांचना, अपने भीतर झांकना। भजन संहिता 66:18 में लिखा है, अगर मेरे मन के अंदर कोई दुष्टता है तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। कोई भी पाप जो हमने कन्फेस नहीं किया, जिसकी हमने तौबा नहीं किया और बार बार हम करते जा रहे हैं, वो परमेश्वर को हमारे उत्तर प्रार्थना का उत्तर देने में रोक देगा। शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, शैतान के अधीनगी में हम आ जाएंगे। हमारी प्रार्थना के अंदर कोई ऐसे छुपे हुए मोटिव भी हो सकते हैं जो परमेश्वर की महिमा ना करते हो। इसलिए हम अपने अंदर भीतर झांके, हम
ताकि हम कोई ऐसी इच्छा जो परमेश्वर ने हमें नहीं सिखाई है उसको उससे बच जाएं। परसवेयर है, बने रहें। लुका 18 की 1-8 तक विधवा और जज का प्रसंग है। दानियल 10वें अध्याय में 2-3 आयत के अंदर दानियल 3 हफ्ते तक प्रार्थना में है, मॉर्निंग में है। कोई अच्छा खाता नहीं है, कोई फ्रेश, कोई कुछ अच्छी चीज नहीं खाता है, ना के तेल लगाता है सर में, प्रार्थना करता है जब तक स्वर्गदूत नहीं आ जाता है। दानियल की प्रार्थना अपने लिए नहीं है, अपने लोगों के लिए है। लीजेंड है कि समुद्र के किनारे पर एक पेड़ पर एक पक्षी ने अपना घोंसला बना लिया। एक दिन उसका बच्चा समुद्र की लहरों में गिर गया और अंदर खींच लिया गया। उस चिड़िया ने समुद्र को कहा कि मेरे बच्चे को वापस कर दे। समुद्र का ना उत्तर मिलने से वो कहती है कि फिर अपने आप को रेगिस्तान में बदलने के लिए भी तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरा सारा पानी पी लूंगी। वो उतरती है, एक घूंट भरती है, वापस चली जाती पेड़ पर, फिर आती है, फिर भरती है। 3-4 बार करने के बाद फिर उसे बोलती है, समुद्र नहीं सुनता। तकरीबन 20 बार होने के बाद में समुद्र बच्चे को लहरों से बाहर फेंक देता है। पेड़ समुद्र से कहता है, क्या तुम एक चिड़िया से डर गए? बोलता, मैं अपनी एक चिड़िया से नहीं, एक मां के दृढ़ निश्चय से डर गया। हम दृढ़ निश्चय करके बने रहें, पर सवेरे प्रार्थना में लगे रहें तो उत्तर मिलेगा ही। शैतान हमारी अपोजिशन करता है, जैसे पहले भी हमने देखा था। उसका काम है अपने राज्य को बचाने का। जितना प्रार्थना से, हमारी प्रार्थना से स्वर्ग राज के कामों के अंदर बढ़ोतरी होगी, उतनी ही ज्यादा अपोजिशन भी होगी। नहमिया के 4 अध्याय के अंदर 4-5 और 9 आयत के अंदर नहमिया बोलते हैं, सनबलात और उसके साथी जो हैं वो यरूशलेम की दीवारें बनाने में अपोजिशन करते हैं। फिर वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि यरूशलेम की दीवारें बनाई जा सके। क्या हम भी अपने जीवन की या किसी और के जीवन की टूटी हुई दीवारों को बनाने में कोशिश कर रहे हैं? अगर हम ये कर रहे हैं तो शैतान की अपोजिशन होगी ही। अगला पॉइंट है फास्टिंग और प्रेयर। प्रभु यीशु ने 40 दिन तक फास्टिंग किया, प्रार्थना की परमेश्वर से ताकि वो बल पा सकें, वो पूरी गाइडेंस, वो एक ब्लूप्रिंट दोबारा देखा जा सके जो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में करना है। मत्ती 17:21 के अंदर फिर वो जो डेफ एंड डम लड़का है जिसका पिता कहता है मेरे अविश्वास को की सहायता कर, प्रभु यीशु चेलों को बताते हैं कि इस प्रकार की दुष्ट आत्मा प्रार्थना और फास्टिंग के बिना नहीं जाती है। शैतान का हम सामना करें तो वो भाग जाएगा। अगला है डिसिप्लिनिंग ऑफ गॉड। ट्रायल्स जो हमारे हैं, क्या हमने सही लेसन जो हमें परमेश्वर सिखाना चाहते हैं उसे सीखा है, अपने जीवन में ढाल लिया है? हम कर्जे में चले गए, उसके कारण क्या थे? क्या हमने सीखा कि मैं जो ये पैसे की ऐसे उड़ा रहा था उसको मैं बंद कर दिया? मैंने क्या पैसे की वैल्यू सीखी? मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु कहते हैं, पहले स्वर्ग राज को खोजो और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो और ये सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा। परमेश्वर को जानना हमारे लिए जरूरी है, तब वो हमें आशीष देंगे। अब्राहम 25 साल तक वेट करता है, दाऊद 20 साल तक वेट करता है। हमारा भी इस वेटिंग के दौरान एटीट्यूड होना चाहिए धन्यवाद का। पहले हम परमेश्वर को बोलने दें, प्रार्थना करना, परमेश्वर से मांगना है जो उन्होंने इस वचन के अंदर अपने पुत्र के द्वारा कहा है उसे पाने के लिए। फिर हम सारी चिंताएं उनके ऊपर छोड़ दें। हमारे पास है ही कुछ नहीं, हमारी चिंताएं तो हैं, क्या हम दे सकते हैं परमेश्वर को? अपनी चिंताएं उन्हें दे दें। रोमियो की 8:28 में लिखा है, सब चीजें उन लोगों के लिए भलाई उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, सब चीजें। और फिर 31वीं आयत में कहा गया है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? परसिस्टेंस, पर्पसफुल एंड पर्सनल, ये 3 चीजें हैं। बने रहना एक मकसद के साथ और एक नजदीकी रिश्ते के साथ परमेश्वर के साथ। हम बने रहें तो उत्तर देंगे परमेश्वर। अफशियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 20वीं आयत से आगे लिखा है, अब जो ऐसा समर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है
उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। जो हमारे मांगने से, सोचने से कहीं ज्यादा करने की क्षमता रखते हैं, हम उस परमेश्वर से मांगते हैं। जब हमारा रिश्ता उनके साथ नजदीकी है, हम बने रहें, हमारा मकसद उनकी महिमा करने का है, तो उत्तर मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है इस आशीष के लिए कि हम आपको जानते हैं, आपसे एक रिश्ता बन जाता है। आप हमारे पिता हैं और ये रिश्ता हमें प्रभु यीशु आपके प्यारे बेटे ने अपने लहू के द्वारा दिया है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद है हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा बुद्धि और ज्ञान देने के लिए। पिता परमेश्वर, आप समर्थी हैं हमारे सोचने और मांगने से कहीं अधिक। हम सबकी सहायता कीजिए कि हम आपके नाम को महिमा दें, अपने बोलने में, चलने में, हर सांस में, हर काम में। दयालु पिता, हम आपकी महिमा, आपको आदर देते हैं और ये सब कुछ मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हम परमेश्वर द्वारा दी गई जिम्मेवारियों पर पूरा उतरें, तो फिर हमारे जीवन में उनके सब वादे भी पूरे हो जाएंगे। हम परमेश्वर को पिता मानकर उनसे सब कुछ पाना तो चाहते हैं, लेकिन आज्ञाकारी नहीं बनना चाहते। हम सब वचन को सुन और समझकर अपने जीवन में ढाल लें, ताकि परमेश्वर भी हमारी हर प्रार्थना को उत्तर दे सकें। आशा है कि आज के इस एपिसोड से आप आशीषित हुए होंगे। अगर आप सोजो एंड शालोम का कोई भी एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप YouTube पे देख सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आप हमें कॉल करें और ईमेल भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन, स्टे ब्लेस्ड। शालोम।